झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब पार्टी हुंकार करने के लिए तैयार है, शंखनाद, इस राज्य की अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कानून व्यवस्था में सुधार के सवाल पर पार्टी ने तय किया कि पूरे प्रखंडों में, जो उनकी संख्या 260 है, सभी सरकारी प्रखंडों में हम 19 नवंबर से 23 नवंबर तक प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन, उस दिन प्रखंड के कार्यालयों में काम को ठप करने का काम करेंगे। बड़ी संख्या, बड़ी जमात, समाज के सभी वर्गों को लेकर हम प्रखंडों में जोरदार आंदोलन करने का भी संकल्प लिए, और सभी प्रखंडों में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य, कोर कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य, हर प्रखंडों में कोई ना कोई एक नेता जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में वहां पर रहेगा, चाहे गांव से लेकर के राज्य की सरकार में बैठे हुए नौकरशाह हो, और साथ ही साथ इन भ्रष्ट नौकरशाहों को संरक्षण और समर्थन देने वाली राज्य सरकार की हेमंत और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस प्रदेश के अंदर दिख रही है। भ्रष्टाचार भी कैसा, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन पूरी तरह से भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में सरकार कैसे है, ये झारखंड की जनता के मन में प्रश्न है। हम सब कोई जानते हैं कि साहेबगंज में इलीगल माइनिंग हुआ है, हम सब कोई झारखंड की जनता जानते को इलीगल माइनिंग में पूरी तरह से एक इतिहास रचने का काम किया है। प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त हमारी जो संपदा है, उन खनिज संपदा और पहाड़ पर्वत हमारे संस्कार और संस्कृति का अंग है, उसको एक तरह से सफाचट करने का काम राज्य की सरकार ने किया है।